हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है? आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 3rd का वीडियो नंबर 9। तो बेटे ये तीसरे यूनिट का 9वां वीडियो है, और इससे पहले 8 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 3rd को पूरा पढ़ सकते हो और समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करना। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक दिया जाता है, और परमाणु क्रमांक के आधार पर आपको पहचान करनी होती है कि ये तत्व कौन से वर्ग में है, कौन से आवर्त में है, कौन से ब्लॉक में है। तो यदि आपने आवर्त बता दिया, ब्लॉक बता दिया और वर्ग बता दिया, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे अपने एग्जाम में। किसी भी तत्व की परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करने में, ठीक है? बस आपको दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि यदि आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, तो किसी भी यूनिट को पढ़ते हो तो यूनिट को हमेशा प्लेलिस्ट में जाकर ही पढ़ा करो। आपको हर एक यूनिट को प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, यदि आपको वास्तविकता में रासायनिक विज्ञान को समझना है। तो सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि हर एक यूनिट को प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी किसी वीडियो को आप देखते हो, तो वीडियो का स्पीड आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना चाहिए। आपको पता है, यदि स्क्रीन पर आप टच करते हो, तो आपको राइट साइड में तीन डॉट के निशान नजर आते हैं, उन पर क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेबैक स्पीड का, और प्लेबैक स्पीड से आप वीडियो के स्पीड को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखा करो कि आपको ये दो चीजें हमेशा याद रखनी है, कि किसी भी यूनिट को पढ़ना है तो प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ना है, और किसी भी वीडियो को देखना है तो वीडियो का स्पीड आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। तो हमारा टारगेट है आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति ज्ञात करना, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक हमें दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी अब गलत नहीं होगा। देखते हैं, सबसे पहले यदि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति आपको ज्ञात करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। तत्व का SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और SPDF में लिखना है, ठीक है? यानी आपबाऊ नियम से। उसके बाद नंबर दो पर आपको क्या करना है, देखो नंबर दो, यहाँ इसे रोमन पद्धति में नहीं लिखते, सामान्य में लिखेंगे नंबर दो। नंबर दो में हमें सीखना होता है आवर्त, कि आवर्त कैसे निकलेगा, ठीक है? आवर्त के बारे में बताता हूं मैं, कैसे निकलेगा आवर्त। आवर्त निकलेगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लोगे ना, तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको पता चल जाएगी कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की संख्या। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम बड़ी आसानी से पता कर लेते हैं कि कक्षाओं की संख्या कितनी है। तो या तो आप कक्षाओं की संख्या पता कर लो, या फिर आप पता कर लो अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम एस की कक्षा, कि जो आखिरी वाला एस है वो कौन सी कक्षा में है, ठीक है? वो आखिरी एस दूसरी कक्षा का है या तीसरी का है या सातवीं का है। तो आप अंतिम एस की कक्षा पता कर लो, या तो कक्षाओं की संख्या पता कर लो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, या तो अंतिम एस की कक्षा पता कर लो कि अंतिम एस कौन सी कक्षा के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक
तो ऐसे आपके पास आ जाएगी आवर्त संख्या। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, फिर उसके बाद आवर्त निकालना है, कक्षाओं की संख्या गिनकर। फिर उसके बाद हम करते हैं ब्लॉक पर। आवर्त के बाद क्या निकालते हैं, हम ब्लॉक निकालते हैं। और ब्लॉक निकालने का तरीका यह है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है, जिस उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है, उस उपकोष की जो संख्या होती है ना, ठीक है, संख्या क्या, वो उपकोष जो भी होता है, वो एस उपकोष भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, एफ भी। तो आपको अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश देखना होता है कि वो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है वही उपकोष उसका ब्लॉक कहलाता है तत्व का। ठीक है, मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने के आप बिल्कुल भी। अब उसके बाद निकालते हैं हम वर्ग। क्या निकालते हैं, वर्ग। और वर्ग निकालने में आपको चार बातें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी होती है कि जो एस ब्लॉक तत्व होते हैं ना भाई, ब्लॉक तो आपको यहां से पता चल ही जाएगा तीसरे स्टेप से। एस ब्लॉक तत्वों के लिए, एस ब्लॉक तत्वों के लिए यदि आपको निकालनी है वर्ग संख्या तो कैसे निकलेगी, तो एस ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग संख्या ऐसे निकलती है, एन एस इलेक्ट्रॉन की संख्या। जरा ध्यान से समझ लो इस बात को, ये क्या लिखा है मैंने, मतलब बाहरी कक्षा के एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो ही वर्ग संख्या होगी। ये नियम कब कार्य करेगा, यदि आपका तत्व एस ब्लॉक तत्व है तभी ये वाला नियम कार्य करेगा, पर यदि आपका तत्व पी ब्लॉक तत्व है तो पी ब्लॉक तत्वों के लिए कौन सा नियम है, पी ब्लॉक तत्वों के लिए, पी ब्लॉक तत्वों के लिए आप वर्ग संख्या कैसे निकाल लोगे, तो पी ब्लॉक तत्वों के लिए आप वर्ग संख्या ऐसे निकाल लोगे, टेन प्लस एन एस इलेक्ट्रॉन प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन, इन्हें सबको जोड़ दो बस, वर्ग संख्या निकल जाएगी। 10 यानी 10 में जोड़ना है बाहरी कक्षा के एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा के पी उपकोष के इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ना एन का मतलब क्या होता है, बाहरी कक्षा। मान लो ये आपके पास एक परमाणु है, उसका नाभिक है, नाभिक के बाद एक कक्षा, दो, तीन, चार, मान लो ये कक्षाएं हैं चार, तो जो सबसे बाहरी कक्षा होती है ना उसे हम कहते हैं एन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को, और जो उससे अंदर वाली कक्षा होती है उसे हम कहते हैं एन माइनस वन यानी सेकेंड लास्ट कक्षा या पेनल्टीमेट ऑर्बिट, और जो उससे अंदर वाली होती है उसे हम कहते हैं एन माइनस टू यानी थर्ड लास्ट कक्षा या एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। तो ध्यान रखना है जहां भी हम एन लिखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि एन का मतलब क्या होता है, बाहरी कक्षा होती है सबसे लास्ट वाली कक्षा, और जहां भी एन माइनस वन लिखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि सेकेंड लास्ट कक्षा है या पेनल्टीमेट ऑर्बिट है, और यदि एन माइनस टू लिखते हैं तो ये भी आपको समझ जाना चाहिए कि थर्ड लास्ट कक्षा है या एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट है, यानी बाहर से भी अंदर वाली कक्षा। ठीक है, तो यदि पी ब्लॉक तत्व है तो उनके लिए यदि आपको वर्ग निकालना है तो कैसे निकलेगा, टेन प्लस बाहरी कक्षा के एफ के इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा के पी के इलेक्ट्रॉन। और यदि डी ब्लॉक तत्व है, यहां लिखते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक तत्वों के लिए, मान लो आपके पास डी ब्लॉक तत्व आपको मिला है तो डी ब्लॉक तत्वों के लिए आप वर्ग संख्या कैसे निकाल लोगे, ऐसे निकाल लोगे एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा से अंदर वाली कक्षा के डी के इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा के एस के इलेक्ट्रॉन, एन एस इलेक्ट्रॉन, ऐसे निकलेगी डी ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग संख्या। और यदि आपके पास एफ ब्लॉक तत्व है, एफ ब्लॉक तत्व, तो एफ ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग संख्या कैसे निकलती है, मैं आपको बताता हूं कि एफ ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग संख्या हमेशा, यहां लिखता हूं मैं हमेशा या सदैव लिख दो, एक ही बात है, सदैव तीन, यानी जो एफ ब्लॉक तत्व है मैंने आपको समझा रखा है कि एफ ब्लॉक तत्व कौन से हैं। एफ ब्लॉक तत्व वे हैं
जिन्हें तीसरे वर्ग के छठे और सातवें आवर्त से उठाया गया है, 14-14 तत्वों को। तो तीसरे वर्ग के ही तो होंगे सारे, तो एफ ब्लॉक तत्व तो हमेशा तीसरे वर्ग के ही होते हैं। इसमें तो ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है, ना ही किसी सूत्र को लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझ लो। मैंने आपको बताया कि आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति यदि आपको ज्ञात करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तत्व का sp-ds में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। लिख लोगे तत्व का sp-ds में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, इस तरह आपबाऊ नियम से। ठीक है, उसके बाद देखो एक बात बताता हूं आपको, आपने आपबाऊ नियम तो पढ़ रखा है ना। आपबाऊ नियम क्या है? आपबाऊ नियम ये है कि हमारे पास पहली कक्षा में, यदि मैं पहली कक्षा की बात करता हूं, तो पहली कक्षा में एस उपकोष होता है, दूसरी कक्षा में एस और पी होते हैं, एस उपकोष और पी उपकोष, तीसरी कक्षा में क्या होते हैं, एस उपकोष, पी और डी, और चौथी कक्षा में क्या होते हैं, एस, पी, डी और एफ, और पांचवी कक्षा में क्या होते हैं, पांचवी कक्षा में भी एस, पी और डी और एफ, और छठी कक्षा में, छठी कक्षा में एस और पी और डी, और सातवीं कक्षा में, सातवीं कक्षा में एस और पी ही होते हैं केवल। पता है ना आपको? और ये भी पता है आपको कि एस में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एस में, क्योंकि एस में एक कक्षक होता है ना। पी में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि पी में होते हैं 3 कक्षक, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में भरे जा सकते हैं अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में भरे जा सकते हैं अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। ये बात तो सीख रखी है आपने। और ये पहली कक्षा का एस है तो मैं 1s कहूंगा, दूसरी का एस, दूसरी का पी, तीसरी कक्षा का एस, तीसरी का पी, और तीसरी कक्षा का डी, चौथी कक्षा का एस, चौथी का पी, और चौथी का डी, और चौथी का एफ, और पांचवी का एस, पांचवी का पी, पांचवी का डी, और पांचवी का एफ, छठी कक्षा का एस, छठी का पी, और छठी का डी, सातवीं का एस, और सातवीं का पी। ये सारी चीजें सिखा रखी हैं, और फिर सिखा रखा है कि पहली बारी में एक एक कक्षक कटेंगे, फिर दो दो कटेंगे उपकोष, फिर तीन तीन उपकोष कटेंगे, और फिर चार उपकोष कटेंगे, और फिर तीन कटेंगे, और तीर के निशान सब में नीचे की तरफ को लगेंगे। यही तो था आपबाऊ नियम। आपबाऊ नियम ये है, इलेक्ट्रॉन यहां से भरने शुरू करो और यहां तक भरो, 7p6 तक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, तत्व का sp-ds में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, फिर उसके बाद पता लगानी है आपको आवर्त संख्या। आवर्त कैसे पता चलेंगे, कक्षाओं की संख्या गिन लेंगे या अंतिम s की कक्षा देख लेंगे कौन सी है, फिर उसके बाद हम पता लगाएंगे ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है, s में प्रवेश करता है तो s ब्लॉक होगा, p में प्रवेश करता है तो p ब्लॉक होगा, d में प्रवेश करता है तो d ब्लॉक होगा, f में प्रवेश करता है तो f ब्लॉक होगा। उसके बाद हम पता करेंगे वर्ग। वर्ग कैसे पता करेंगे, एस ब्लॉक तत्वों के लिए अलग नियम है, पी के लिए अलग, डी के लिए, एफ के लिए अलग। हर एक ब्लॉक, यहां से ब्लॉक निकलने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा ब्लॉक है, जो ब्लॉक है वही वाला नियम हमें लगाना है वर्ग की संख्या निकालने के लिए। वर्ग कह दो या समूह कह दो, बात तो एक ही है। एस ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग संख्या कैसे निकलती है, एनएस इलेक्ट्रॉन। क्या एनएस इलेक्ट्रॉन, एन माने बाहरी कक्षा के, एफ के इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कितने हैं। पी ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग संख्या कैसे निकलती है, 10+ ns इलेक्ट्रॉन + np इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10+ बाहरी कक्षा के एफ के इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा के पी के इलेक्ट्रॉन। और डी ब्लॉक तत्वों के लिए कैसे निकलती है, n-1 d इलेक्ट्रॉन + ns इलेक्ट्रॉन। सेकेंड लास्ट के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है और लास्ट के एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है। और एफ ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग संख्या हमेशा 3 ही होती है, इसमें कुछ आपको जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, चलो एक एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। निम्न परमाणु क्रमांक वाले तत्वों की आवर्त सारणी में, परमाणु क्रमांक वाले तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात कीजिए। मान लो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, परमाणु क्रमांक उन्हें देना पड़ेगा जब ही हम इलाज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो नंबर एक पर उन्होंने दिया है परमाणु क्रमांक 11, हमें बताना है कि ये जो 11 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है वो आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में है, कौन से आवर्त में है, कौन से ब्लॉक में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले क्या कहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं,
आपको पता है 2, 2, 4 और 6, 10 और 11, यहाँ 1 आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 लिख लिया हमने। उसके बाद हमने पहला काम कर लिया, आवर्त कैसे पता लगाएं बताओ, आवर्त आवर्त कैसे पता लगाएंगे बताओ। आवर्त पता लगाने के लिए इन्होंने कहा कक्षाओं की संख्या निकाल लो। देखो ये तो पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा है, दूसरी यहां से यहां तक है, दूसरी का एस और दूसरी का पी, और ये है तीसरी कक्षा, तीन कक्षाएं हैं तो तीसरा आवर्त होगा। या फिर इन्होंने कहा है या तो कक्षाओं की संख्या निकाल लो या तो अंतिम एस की कक्षा देख लो। आखिरी एस की कक्षा क्या है, तीन है, और वैसे कक्षाएं भी कितनी है, तीन है, चाहे तो आप ये नियम लगाओ चाहे तो वो लगाओ, बात तो उत्तर तो तीन ही आ रहा है, तो इसकी आवर्त संख्या कितनी है, तीन है, आवर्त कौन सा है, तीसरा। अब आवर्त के बाद क्या निकालना होता है, ब्लॉक, ब्लॉक, और ब्लॉक निकालने का तरीका यह है कि आपको देखना होता है, देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है, भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश किया है, एस में, तो ये एस ब्लॉक तत्व है, इसका ब्लॉक एस होगा। और अब जब एस ब्लॉक है तो वर्ग तो आप निकाल ही दोगे, फिर वर्ग निकाल दोगे क्या बताओ भाई, एस ब्लॉक तत्व, वर्ग निकालने के सबके अलग अलग नियम है, एस ब्लॉक का अलग नियम है, पी का अलग, डी का अलग, एफ का अलग, तो एस ब्लॉक तत्वों के लिए नियम है एनएस इलेक्ट्रॉन, वर्ग ऐसे निकलेगा, बाहरी कक्षा के एस के इलेक्ट्रॉन देखने होंगे कितने हैं, तो बाहरी कक्षा, भाई पहली कक्षा बाहरी कक्षा नहीं है, ये दूसरी कक्षा के दोनों उपकोष है, दूसरी कक्षा बाहरी कक्षा नहीं है, तीसरी कक्षा बाहरी कक्षा है, तीसरी कक्षा के एस में इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, तीसरी कक्षा के एस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहला वर्ग होगा, कौन सा वर्ग होगा, पहला, तो पहला वर्ग है, तो पहला वर्ग और तीसरा आवर्त, पहला वर्ग और तीसरा आवर्त, जब आप आवर्त सारणी में देखोगे तो यह तत्व सोडियम है, ठीक है, वैसे ज्यादातर बच्चों को याद होगा कि परमाणु क्रमांक 11 तो सोडियम का ही होता है, पर आपको क्वेश्चन इस तरह करके आना है कि पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, फिर आवर्त निकालना है कक्षाओं की संख्या से, फिर ब्लॉक निकालना है, यू देखना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश करता है, उससे निकल जाएगा ब्लॉक, और फिर वर्ग संख्या निकालनी है, वर्ग संख्या कैसे निकालनी है, एस ब्लॉक के लिए अलग नियम है, पी के लिए अलग, डी के लिए अलग, एफ के लिए अलग, करते हैं और भी क्वेश्चन, पहले आप स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से, फिर प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ले लिया बेटे स्क्रीन शॉट, ठीक है। अब नंबर 2 पर देखते हैं, मान लो हमने परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति निकालनी है, तो परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 2, 4 और ये 6 है ना, 2, 2, देखो ध्यान से देखो, 2, 2, 4, 6, 10 और 2, 12, 6, 18, 2, 20, 4s2 आएगा लास्ट में, ठीक है, पता है ना, पहले इसे भरा, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, 2, 2, 4, 6, 10 और 2, 12 और 6, 18 और 2, 20, 4s2 तक आएगा, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, देखो 2, 2, 4, 6, 10 और 2, 12, 6, 18, 2, 20, सबसे पहले हमें बताना होता है आवर्त, आवर्त कैसे पता चलेगा बताओ, आवर्त पता चलेगा कक्षाओं की संख्या से, कक्षा देखो ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है यहां से यहां तक, और ये तीसरी कक्षा है, और ये चौथी कक्षा भी आ गई है यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि इसमें चार कक्षाएं हैं, तो मैं लिखूंगा आवर्त चार है, या फिर आप देख लिया करो कि आखिरी एस कौन सी कक्षा का है, भाई ये पहला ऐसे, ये दूसरा ऐसे, ये तीसरा ऐसे, ये चौथा ऐसे, तो आखिरी एस चौथी कक्षा का है, तो इसलिए हम कहेंगे कि आवर्त कौन सा है, चौथा आवर्त है, यानी ये परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व दीर्घाकार आवर्त सारणी के आवर्त संख्या 4 में रखा गया है। आवर्त के बाद हमें देखना होता है ब्लॉक, ब्लॉक देखना बहुत आसान है, आपको देखना होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कौन से, अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कौन से उपकोष में हुआ है, चलो ब्लॉक इधर नहीं लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं साइड में, यहां लिख लें ब्लॉक, यहाँ ब्लॉक, आपको देखना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कौन से उपकोष में हुआ है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश तो एस उपकोष में हुआ है, तो ब्लॉक इसका एस होगा,
क्या होगा एस। फिर हमें निकालना होता है वर्ग, वर्ग बताओ कैसे निकलेगा भाई। जब एस ब्लॉक तत्व है तो एस ब्लॉक तत्व के लिए वर्ग संख्या का क्या फार्मूला है, एन एस इलेक्ट्रॉन। कि बाहरी कक्षा के एस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा चौथी कक्षा के एस में दो इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वर्ग संख्या दो होगी। अब आते हैं नंबर थर्ड पर, तीसरा नंबर। एक एग्जाम्पल और करते हैं। मान लो आपको परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व दिया है कि इसकी आवर्त सारणी में स्थिति बताओ। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम 17 का, वहां आप बहु नियम से लिखेंगे, दो दो चार से 10 और दो 12 और 5 17, 3p5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। देखें दो दो चार से 10 और दो 12 और 5 17, 3p5, 17 करने थे ना। तो सबसे पहले हम बताएंगे आवर्त। आवर्त बताओ कैसे पता चलेगा। आवर्त पता चलेगा या तो कक्षाओं की संख्या देख लो, या सबसे लास्ट वाला एस देख लो कौन सी कक्षा का है, पहला एस, दूसरा एस, तीसरा एस, इसके बाद तो कोई एस नहीं है, यह सबसे लास्ट वाला एस तीसरी कक्षा का है तो आवर्त संख्या 3 है। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा है और ये तीसरी कक्षा है, तीन कक्षाएं हैं तो आवर्त तो तीसरा होगा ही। उसके बाद हम देखते हैं, कोमा लगा के देखते हैं ब्लॉक। ब्लॉक बताओ, ब्लॉक कैसे पता चलता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश। अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश पी उपकोष में हुआ है तो पी ब्लॉक तत्व है। क्या है, पी ब्लॉक तत्व। उसके बाद हम देखते हैं वर्ग, तो वर्ग देखने के लिए हमें ब्लॉक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एस ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग निकालने का अलग तरीका है और पी ब्लॉक तत्वों का अलग और डी का अलग और एफ का अलग है। ये है हमारे पास पी ब्लॉक तत्व। तो पी ब्लॉक तत्व का क्या फार्मूला होता है वर्ग निकालने का, टेन प्लस एन एस इलेक्ट्रॉन प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है, टेन प्लस एन एस इलेक्ट्रॉन और एन पी इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा, देखो यही लिख देते हैं, चलो टेन प्लस एन एस इलेक्ट्रॉन, टेन प्लस एन एस, बाहरी कक्षा के एस में, बाहरी कक्षा तीसरी कक्षा के एस में दो इलेक्ट्रॉन है, प्लस एन पी, एन पी का मतलब बाहरी कक्षा तीसरी कक्षा के पी में पांच है। तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 10 17, 17वां वर्ग है। कौन सा वर्ग है, 17वां वर्ग। और जब आप दीर्घाकार आवर्त सारणी में 17वें वर्ग को देखोगे और तीसरे आवर्त को देखोगे तो आपको तत्व मिलेगा सीएल, क्लोरीन। और क्लोरीन का ही परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। परमाणु क्रमांक भी 17 है और वर्ग संख्या भी क्या है, 17। ठीक है, ध्यान रखोगे आप, 17वां वर्ग है, क्लोरीन मिलेगा, जिन्हें आप कहते हो हेलोजन। हेलोजन आते हैं 17वें वर्ग में। अब चलो, अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो नंबर चार। मान लो आपको परमाणु क्रमांक 21 वाला तत्व दिया गया है कि परमाणु क्रमांक 21 वाले तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति बताओ। तो 21 का सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, दो दो चार से 10 और दो 12 और 12, दो दो चार और छह 10 और दो 12 छह 18 दो 20, और 3d1 आएगा, 21 है ना, 3d1। तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। देखो दो दो चार और छह 10 और दो 12 छह 18 दो 20 और 1 21। सबसे पहले हमें बताना है आवर्त। आवर्त बताने का क्या तरीका है, आवर्त बताने का तरीका है या तो आखिरी एस देख लो, देखो ये है आखिरी है, कौन सी कक्षा है, चौथी कक्षा का है, चार। या फिर आप कक्षाएं गिन लो, ये तो हुई हमारी पहली कक्षा, ये हुई हमारी दूसरी कक्षा और ये हुई हमारी तीसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, यहाँ भी तीसरी कक्षा है देखो, और ये हुई चौथी कक्षा। समझ रहे हैं ना आप भाई, पहली कक्षा तो ये है, दूसरी कक्षा ये है, तीसरी कक्षा का हिस्सा ये भी है और ये भी है, ये तीसरी कक्षा का हिस्सा है, और ये जो बीच में आया ना ये चौथी कक्षा है। तो कक्षाएं तो चार ही हुई और चार कक्षाएं हुई तो मैंने लिख दिया आवर्त चौथा है। आवर्त के बाद हमें क्या देखना होता है, ब्लॉक। आवर्त के बाद क्या देखना होता है, ब्लॉक। बताओ ब्लॉक कैसे पता चलेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश किया है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश किया है तो
ये डी ब्लॉक तत्व है, और यदि ये डी ब्लॉक तत्व है तो इसका वर्ग कैसे निकलेगा फिर, क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों के वर्ग निकालने का तो अलग फार्मूला है। डी ब्लॉक तत्वों का वर्ग कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है N-1d इलेक्ट्रॉन प्लस Ns इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही तो निकलता है, N-1d इलेक्ट्रॉन प्लस Ns इलेक्ट्रॉन। अब देखो जरा, चलो यहां लिख लेते हैं N-1d इलेक्ट्रॉन, ठीक है, N-1d। N क्या है? तीसरी है, यहां से पता चला है मुझे N क्या है, चार। N बराबर चार है क्योंकि चार कक्षाएं हैं, चौथा आवर्त है। जब कक्षाएं चार हैं तो N का मतलब तो चार है, N का मतलब तो चार है, पर N-1 का मतलब कितना है? तीन। तो तीसरी कक्षा के D में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरी के D में एक इलेक्ट्रॉन है, और चौथी कक्षा के S में, चौथी कक्षा के S में दो। तो इसका मतलब वर्ग संख्या तीन है, तीसरा वर्ग है, चौथा आवर्त है। जब आप देखोगे तो आपको तीसरे वर्ग और चौथे आवर्त में तत्व मिलेगा स्कैंडियम। क्या मिलेगा? स्कैंडियम, Fe। और स्कैंडियम का ही परमाणु क्रमांक 21 होता है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 21। अब आते हैं नंबर चार पर, नंबर पांच पर, चार तो हमने कर लिया, नंबर पांच। अच्छा, यदि एग्जाम में आया कि परमाणु क्रमांक 59 वाले तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करो, तो 59 वाले तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। सबसे पहले यहां लिखना पड़ेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कहां तक जाना है? 59 तक। देखो मैं लिख रहा हूं साथ के साथ, यहां तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। देखो 4s2 के बाद 3d10, 3d10 के बाद 4p6, और 4p6 के बाद 5s2, और 5s2 के बाद 4d10, और 4d10 के बाद 5p6, और 6s2, और 6s2 के बाद 4f। अब देखो कितने हुए भाई, 4f कितने आएंगे? 4f में आएंगे तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हुए हमारे पास 59। एक बार चेक कर लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f3। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लोगे ना, दो दो चार और छह दस और दो बारह, छह अठारह, दो बीस और दस तीस, और छह छत्तीस और दो अड़तीस, और दस अड़तालीस, अड़तालीस और छह 54, और दो 56, और तीन 56 हुए ना, ये 54 और दो 56, 59, 59 हुआ है, तो 59 59 ही है। अब आपको सबसे पहले बताना है आवर्त, क्या बताना है? आवर्त। आवर्त बताने के लिए आपको देखनी है कक्षाएं, या तो कक्षाएं गिन लो, या तो यूं देख लो आखिरी एस कहाँ है। आखिरी एस, ये पहला एस है, पहली कक्षा का एस, दूसरी कक्षा का एस, तीसरी कक्षा का एस, चौथी कक्षा का एस, और पांचवी कक्षा का एस, और छठी कक्षा का एस, यानी सबसे लास्ट वाला जो एस है वो छठी कक्षा का है। तो आवर्त संख्या छह है। आवर्त संख्या क्या है? छह। आवर्त आपने बता दिया, उसके बाद आप बता सकते हो ब्लॉक। ब्लॉक कैसे बताओगे बताओ? ब्लॉक बताने का तरीका यह है कि आपको देखना होता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश करा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश किया है एफ उपकोष में, तो हम लिखेंगे यहाँ ब्लॉक इसका है एफ। एफ ब्लॉक तत्व है। कौन सा तत्व है? एफ ब्लॉक तत्व। और इसके बाद हमें बताना होता है वर्ग। वर्ग, अब मुझे एक बात बताओ, एफ ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग निकालने का क्या नियम है बताओ? आपको पता है ना कि एफ ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग निकालने का कोई नियम नहीं है। एफ ब्लॉक तत्व तो सारे वर्ग संख्या तीन में ही होते हैं, इसमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तो वर्ग संख्या क्या होगा? तीन होगा, तीसरा वर्ग होगा, छठा आवर्त होगा, और एफ ब्लॉक तत्व है। तो तीसरे वर्ग को जब आप जो है, जब तीसरे वर्ग और छठे आवर्त में आप देखोगे इन तत्वों को, लेंथेनाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? छठे आवर्त से जो तत्व उठाए गए हैं उन्हें लेंथेनाइड्स। और इस तत्व को जब चेक करोगे 59 वाले को, तो ये मिलेगा आपको Pr, ठीक है। Pr इसका नाम पता क्या होता है? देखो यहां लिखता हूं, PRASEODY
MIUM, ठीक है, प्रासियोडाइमियम, ऐसे बोल सकते हो, प्रासियोडाइमियम। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसे बोलना थोड़ा मुश्किल है, आप सिर्फ PR याद रखोगे। लेंथेनाइड्स जब हम पढ़ेंगे तो वहां तो मैं आपको समझाऊंगा ही। ये जो डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व है, दोनों हमारे 12th क्लास में सिलेबस में है, वहां मैं बिल्कुल इनका पोस्टमार्टम कर दूंगा, डी ब्लॉक का भी और एफ ब्लॉक का भी, ठीक है। बस आप जल्दी से, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे अब स्क्रीन शॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीन शॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में जरूर आया होगा कि यदि आपको किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक दिया गया है तो उस तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति हम कैसे ज्ञात करते हैं, चाहे वो तत्व एस ब्लॉक तत्व है, पी है, डी है या एफ है। पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि एफ ब्लॉक तत्व में कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शन आपको ऐसे भी मिलेंगे कि आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ कोष में गया ही नहीं है, यदि आप अपवाह नियम से चलोगे। दोबारा सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, यदि आप आपबाहु नियम के अनुसार चलोगे, 1s2 2s2, इस नियम के अनुसार 1s2 2s2 के अनुसार चलोगे और एफ ब्लॉक तत्व में किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, तो एफ ब्लॉक तत्व में कुछ एफ ब्लॉक तत्व ऐसे हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन आपको आपबाहु नियम से लिखते समय एफ उपकोष में जाएगा ही नहीं, डी में चला जाएगा, और वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये तो डी ब्लॉक तत्व है, एफ ब्लॉक तत्व तो नहीं है ये, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ डी में गया है, एफ में तो गया ही नहीं है। तो ये कंफ्यूजन सारा मैं दूर कर दूंगा 12th क्लास में, जब हम कक्षा 12 में एफ ब्लॉक तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई ऐसा एक्सेप्शन आपको मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि एफ ब्लॉक तत्वों की दो सीरीज हैं, एक तो लेंथेनाइड, एक तो एक्टिनाइड। लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ तक है परमाणु क्रमांक याद रखने, एक्टिनाइड कहाँ से कहाँ तक है। बस वैसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके नहीं आएगा, पर फिर भी यदि आ गया तो मैं सचेत आपको कर रहा हूं कि एक आधा कोई अपवाद भी आपको मिलेगा कि वो एफ ब्लॉक तत्व है और आप बहु नियम से आपने उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है और एफ में आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ उपकोष में प्रवेश नहीं करता है, वो डी में एंट्री मार जाता है, यहाँ आप बहु नियम फेल हो जाता है, या आप बहु नियम के अपवाद हैं। जैसे आपने परमाणु क्रमांक वाले चैप्टर में, वो जो परमाणु संरचना वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था, उसमें आपको समझाए गए थे नहीं अपवाद। इसी तरह एफ ब्लॉक तत्वों में भी कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो ऐसा करते हैं वो परमाणु, ठीक है, उनकी जो स्थायी अवस्था है वो ऐसी नहीं होती है जैसी होनी चाहिए आपबाहु नियम के अनुसार। स्थायी होने के लिए आपको वो एफ ब्लॉक तत्व में कन्वर्ट हुए हैं। ये सारी बातें हम एफ ब्लॉक तत्व जब क्लास 12th में डिस्कस करेंगे, वहां मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा। बस आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, और एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि आपको जब भी किसी भी यूनिट को पढ़ना है या चैप्टर को पढ़ना है तो प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ना है, ठीक है, और किसी भी वीडियो को देखना है तो वीडियो का स्पीड अपने अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है, ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।